आज बैठक में आप लोग गए थे, किस तरह की बैठक थी, कौन कौन शामिल थे इसमें? शैलजा जी थी, भूपेश भाई थे, पीसीसी प्रेसिडेंट थे मोहन मरकाम जी थे, स्पीकर साहब थे, ताम्रध्वज साहू जी थे, मैं था, शिव डेहरिया जी थे, चंदन यादव जी थे, हमारे हरियाणा के प्रभारी सचिव जी थे और अकबर भाई थे। अच्छा, अचानक से बैठक हुई, इसको लेकर कई तरह से चर्चा हो रही है, आखिर अचानक से बैठक के क्या कारण थे और इसकी कोई सूचना पहले से नहीं थी, सिर्फ गिने चुने लोगों को दी गई थी? बैठक अचानक नहीं हुई और जिनको बुलाया गया था उन्हीं को खबर गई और वही लोग आए, इसीलिए कोई ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं बना। साहब मैंने गिनाया 7-8 लोग थे, 7-8 लोगों को फ़ोन गया था कि आना है और आगे चुनाव के समय संदर्भ में क्या हम लोग को स्ट्रेटेजी बनानी है, क्या तैयारियां करनी है, उस संदर्भ में ये बैठक। कर्नाटक चुनाव का भी इस बैठक में चर्चा की गई, इसको हाँ बधाई के संदर्भ में मीटिंग चालू हुई, वहाँ से हुई कि शैलजा जी ने सबको बधाई दी, हम लोगों ने शैलजा जी को और सबको बधाई दी और कर्नाटका के चुनाव का निसंदेह कांग्रेस परिवार में पूरे देश में एक ऊर्जा का संचार हुआ। कई तरह के बदलाव की चर्चा आ रही है, मंत्रिमंडल हो या कुछ और चीजों को लेकर ऐसी भी चर्चा की? ऐसी कोई चर्चा? अच्छा, टिकट को लेकर भी कुछ चर्चा की गई है? कोई चर्चा नहीं। इस बैठक की गोपनीयता कारण क्या है, क्योंकि आप लोग जो भी मंत्री निकले बिना चर्चा किए निकल गया है बाकी मंत्री? गोपनीयता की बात नहीं थी, विषय ये था कि चुनाव की हमको तैयारी करनी है। तब देखिए चुनाव की तैयारी सार्वजनिक हम कैसे बता सकते हैं, ये तो गुप्त स्ट्रेटेजी रहती है कि हमको क्या करना है, तो वो सार्वजनिक की ही नहीं जा सकती। यानी कोई बैठक होती, इस विभाग की बैठक है या इस संदर्भ में बैठक है, तो वो हम साझा कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी को हम साझा कैसे कर सकते हैं? ईडी के छापे वगैरह जो पड़ रहे हैं उससे बचने के इसके भी कुछ चर्चा की गई है और दूसरी चीज़ों को लेकर? बचने की बात नहीं, कैसे उसका दुरुपयोग हो रहा है ईडी का, इस संदर्भ में जरूर चर्चा हुई कि वहाँ लोगों को जिनको बयान के लिए बुलाया जा रहा है बहुत दबाव उनके ऊपर है और उनसे दबाव में बयान लिए जा रहे हैं, कुछ लोगों के साथ मारपीट हो रही है, दूसरे कमरों में जिन लोगों को बैठाया गया है उनको कहा जा रहा है देखो ऐसा आपके साथ मत हो, और ऐसे दबाव में बयान लिए जा रहे हैं, इस बात की चर्चा। बीजेपी मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रही है? किस बाबत? बैठकों प्रस्ताव पारित किया गया, इस्तीफा मांग? हाँ, किस बाबत? यानी मुख्यमंत्री जी किस लिए इस्तीफा दें? कर्नाटक में चुनाव के तो परिणाम आ गए, वहाँ एक विधायक के यहाँ 6 करोड़ रुपए निकलते हैं, 40% सरकारा के नाम से ये चुनाव लड़ा जाता है, वहाँ पर ईडी कहाँ थी? जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ पदाधिकारी ये खुलेआम कह रहे थे कि हमसे 40% मांगा जाता है, धार्मिक संस्थानों के प्रमुख ये बयान दे रहे थे कि हमको 10% की रियायत है, हमको जो पैसा दिया जा रहा है उसका 30% हमसे लिया जा रहा है, 40% की जगह 30% लिया जा रहा है, उस समय जांच कहाँ हो रही थी? हमने तो कहीं नहीं सुना कि वहाँ पर कहीं जांच हुई। आपकी सरकार पे घोटालों के आरोप लग रहे हैं, शराब के बाद गौठान घोटाला, बहुत सारे आरोप हैं। पहले नान घोटाले की तो बात कर लें, हम लोग साल दर साल नीचे उतरे ना, नान घोटाला हुआ, वो मामला आज भी कोर्ट में चल रहा है, उसमें ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसी तरह से जैसे इसमें बात आ रही है, उससे ज़्यादा प्रमाणिक तौर पर नगद 3,64,00,000 रुपये अधिकारियों के कार्यालय से निकले थे, तो ईडी ने वहां पर जांच क्यों नहीं चालू की? 36,000 करोड़ का घोटाला हम लोगों ने कहा, जांच तो करनी चाहिए थी उस संदर्भ में। अंतिम सवाल, 9 साल हो गए मोदी के और आज बीजेपी मोदी के जो है कार्यकाल को गिना रही है, इसमें कांग्रेस कैसे देखती है? कर्नाटक के मतदाताओं ने जवाब दे दिया, मोदी जी को उन्हें सामने रख के चुनाव लड़ा और ये कह के चुनाव लड़ा, डबल इंजिन की सरकार, ये कह के चुनाव लड़ा कि मोदी जी को देखो, तो हिमाचल प्रदेश के बाद पहले बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर हिमाचल प्रदेश में और अब की कर्नाटक में 26 किलोमीटर की रैली, इतनी बड़ी रैली दोबारा पहले कभी नहीं हुई होगी, ऐसा प्रचारित किया गया। अगले दिन 9 किलोमीटर की लंबी रैली और परिणाम 65 सीट। और हमको देखो, उनका मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं था, चेहरा उनने लड़ा मोदी जी के नाम पे, तो अब स्वाभाविक है कि किसी तरह से अब उसको कवर अप करना है कि वहाँ तो मोदी जी के नाम पे सरकार बनी नहीं। टीएस सिंहदेव जिन्होंने बताया कि किस तरह से कर्नाटक चुनाव में मोदी जी के चेहरे का चुनाव लड़ा गया था और उसका जवाब वहाँ की जनता ने दे दिया, और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में भी आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। प्रवीण कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रायपुर।